पालमपुर में बिताए हुए पिछले दो दिन काफी थे मुझे कन्विंस करने के लिए कि इस जगह की बड़ी सटल और डिस्टिंग्विश्ड आइडेंटिटी है। मैं किसी भी जगह में देखता हूँ वहाँ के लोग, वहाँ की कहानियाँ, खूबसूरती और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पीस एंड सेरेनिटी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सब एलिमेंट्स यहाँ मौजूद हैं। और आज भी ऐसे ही थोड़े और रीजंस ढूंढते हैं कि क्यों ये स्लीपी टाउन धीरे धीरे मेरी पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। अब भले ही इसको मेरा आलसपना या बहाना कहो, बट शहरों में मुझसे सुबह नहीं उठा जाता और दूसरी तरफ पहाड़ों में मुझसे रहा नहीं जाता। मतलब अगर फिट रहना है तो यही घर ढूंढना पड़ेगा। पालमपुर has been such a revelation यार। यहाँ से a few hundred meters शायद, और maybe max a kilometer, it was all tea plantations, backdrop of snow-capped peaks, और अभी यहाँ पे stream बह रही है, farms पूरे वो step farming type होती है ना एकदम वैसा, बीच में colorful houses, pretty killer view यार। The serenity of Palampur is impressing me at every turn. जहाँ कुछ 10 मिनट पहले आई वॉज इन टी गार्डन्स, राइट नाउ आई एम फेसिंग दीज ट्रैंक्विल ग्रीन विलेजेस स्लीपिंग इन द लैप ऑफ माइटी धौलाधर। बैक एट नॉवुड आई वॉज इन फॉर अ सरप्राइज, और ये सरप्राइज आज की ऑलरेडी गुड मॉर्निंग को ग्रेट मॉर्निंग बनाने वाला है। अभी दो महीने पहले कुन्नूर में था एंड देयर वी हैड पिज्जा इन अ टी एस्टेट। टी एस्टेट में चाय पीना वैसे क्लिशेड ही है, बट विद दिस सेटअप ये नेक्स्ट लेवल लग्जरी। दीज आर सिंपल लग्जरीज दैट जो सेट कर देती हैं आपकी मॉर्निंग। ऐसा स्पॉट है ना एकदम, यहाँ पे तो कोई डेट होनी चाहिए यार साथ में, बट अनफॉर्चुनेटली इकलौती डेट जो मेरे पास इस टाइम अवेलेबल है वो कैमरा के पीछे। वैसा करो भाई, तुम कैमरा छोड़ो और तुम ही आज के लिए Be my Valentine. Will you be my Valentine? I'll think about it. Breakfast is one meal that I never miss, and I never have it in a hurry. And breakfasts at Norwood are not just hearty, but accompanied with heartfelt surroundings and conversations. Now after a slow start, it's time to kick off the day. And folks at Norwood hooked me up with an experiential travel company which is into empowering and educating people through travel and culture. The plan is to experience the mountains like they are meant to be experienced.
Driving through tea gardens, villages, streams and waterfalls, it is time to get up and personal with the stunning Himalayas at 6,000 feet. राजमल जी कहाँ जा रहे हैं आज? सर हम ऊपर ओल्ड विंध्यवासिनी टेम्पल है। अच्छा, तो वहाँ पे ये हम लेके जा रहे हैं आप लोगों को, ताकि ये एक बहुत बढ़िया तो रोड है। इस रोड पे तो पहले यहाँ पे रोड नहीं था मंदिर के लिए। अच्छा। पहले यहाँ से ट्रेल जाते थे, तो उस मंदिर के लिए लोग भी दर्शन करने के लिए उस ट्रेल से ही, मतलब जो पहाड़ में चढ़ के ही जाते थे लोग गाँव से जी। तो वहाँ पे दर्शन करके फिर वापस आते थे। कुछ पार्ट जीप से करने के बाद वी डिसाइडेड टू हाइक अप अ बिट। अब इतने हैवी ब्रेकफास्ट के बाद कहीं तो कैलोरीज बर्न करनी ही पड़ेंगी ना। जैसे इन पत्तों को निकालते हैं जी। तो उसको, ये तो बहुत कम है तो उसको काफी ज्यादा लेते हैं ताकि उसमें रस काफी निकले। अच्छा। जैसे मैं यहाँ पे मैंने कट लगाया तो उसमें मैंने इसको क्रश किया, जैसे उसका हल्का सा मुंह खोला है तो उसको जोर से दबा के उसके रस को इसमें डाल दो, या थोड़ी देर हल्का सा पूरा फंसा के निचोड़ दो। अगर आपके साथ कोई हेल्प नहीं होती है तो खुद ही इसके ऊपर रख के फिर निचोड़ दो, ताकि वो आराम से अंदर उसका जो जूस है अंदर हो जाए, फिर उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लो। आप कह रहे हो पेन भी रुक जाता है? पेन थोड़ी, हाँ, एक डेढ़ मिनट लो आपकी पेन बहुत बहुत कम, मतलब 100 में से आपको 10% रहेगी जो झटका लगेगा, तो अदरवाइज पेन खत्म हो जाती है और आपकी जो ब्लीडिंग है वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाती है। और कहते क्या है इसको? ऐसे लोकल भाषा में बसूटी बोलते हैं सर। बसूटी, हाँ। इवन दो मैं इतना फ्रीक्वेंटली उत्तराखंड और हिमाचल आता हूँ, बट देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न। यहाँ का लोकल विजडम इतना वास्ट है कि मल्टीपल बुक्स लिखी जा सकती हैं। ये अभी ऐसे पक रहा है जैसे होली का सीजन आ रहा है, उससे पहले ये इसकी मान लो इसकी लकड़ी भी यही है, ग्रोथ भी यही है, तो ये आता है, तो इसके बाद ये ख़त्म होगा तो उसमें पत्ते आएंगे ये। तो ये अब इसका इसमें निकले येलो रंग, मतलब जैसे होली के टाइम हम लोग खेलते हैं तो वैसे ये पूरे इस एरे को येलो कर देंगे। अच्छा। जैसे पक जाएगा, थोड़ा हल्का तूफान चलेगा, ये पेड़ आपस में हिले के तो पूरा येलो 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 सारा, मतलब ऐसे उड़ेगा सारा। नेचुरल होली। सो एक घंटे की ऊबड़ खावड़ ड्राइव के बाद वी रीच्ड विंध्यवासिनी टेम्पल। माँ विंध्यवासिनी का एक मंदिर नीचे भी है, बट आई वाज टोल्ड दैट दिस वन इज ऑफ क्वाइट अ सिग्निफिकेंस फॉर ऑल द लोकल्स। तो अब जैसे ये मैंने ये बताता हूँ, जैसे ये पानी चला, ये सारा वाटरफॉल का है, ये वाटरफॉल का टॉप दिख रहा है आपको। हाँ जी। ये और अभी ये पूरा नीचे तक फॉल है। हाँ, दो स्टेप में जाता है। हाँ जी। तो ये ग्लेशियर का पानी, ऊपर स्नो का पानी आ रहा है फिल्टर वाला जी। तो जिसे ग्लेशियर बचेगा, तो जैसे गर्मी का टाइम आएगा तो उसका फ्लो और बढ़ता जाएगा। ओके। कई बार जैसे हैवी बारिश हो जाए तो जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से पानी गुजरता है। ओहो, तो अच्छा। नीचे जैसे जो पेड़ दिख रहा है वाटरफॉल के इस पॉइंट पे जी। तो इसको टच करके नीचे गिरता है, इतना बड़ा दिखता है, इतनी हाइट हो जाती है, बहुत इतना ज्यादा गिरता है। तो यहाँ पे साथ में ये आगे ये केव्स हैं। हाँ जी। यहाँ पे ये बाबा जी यहाँ पे रहते थे, तो बाबा जी ने यहाँ पे शायद काफी 8 से 10 साल यहीं पे गुजारे हैं, तो यहीं पे था फंसा कि इन्होंने अपनी। अच्छा। मतलब यहाँ पे रहते थे, ऊपर जो देवी माता का मंदिर है वहाँ पे वो पूजा सब कुछ करते थे, उसके बाद रात को यहीं पे रहना, विंटर में, गर्मी में, मानसून में सब। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं बाबा जी? अब तो शायद 20-25 साल से आसपास यहीं पे हैं, मतलब 8 से 10 साल उन्होंने यहीं पे गुजारे हैं, यहीं पे अपना खाना बनाना, यहीं पे सोना। तो बाबा जी ने मंदिर के लिए काफ़ी डेवलपमेंट की है। तो पहले तो ये मंदिर पूरे एज पे होता था जी, ऐसा कुछ नहीं बनाया हुआ था, यहाँ पे भी रॉक था तो पहले ओपन था। उसके बाद बाबा जी जब आए उन्होंने धीरे धीरे रोड आया उसने, बाबा जी ने उसने धीरे धीरे, चलो लोगों ने हेल्प की तो धीरे धीरे ये चीज़ें सारी तैयार की गई। तो बाबा जी चलो देखो, जैसे गेस्ट आए तो उनके लिए टॉयलेट बनाया हुआ है, इस तरह यहाँ पर लग, दूसरी जगह लग,
यहाँ पे ऊपर शेड बनाया हुआ है जी। I can see that this place is not at all commercialized, and probably that's why one can experience the spirituality of a temple here. बाबा जी कितने साल हो गए आपको? मेरे को 25 साल हो गए। 25? हाँ जी। और कैसे आना हुआ यहाँ पे? अब ये मुझे भी नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि दुनिया गांव वाले जानते कि बाबा को 25 साल हो गए। मुझे नहीं लगता कि मुझे 25 साल हुए हैं। मैं इतना मगन हूँ यहाँ पर, मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, मैं 99 में इधर आया था। तो आना कैसे हुआ कि ये जो गांव के है, ये मंदिर जो है, इनका नाम विंध्यवासिनी है, और आप इसका जो पूरा इलाका इन्हीं के नाम से, वो गांव का नाम बंगला गांव बोला जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ के 6-7 आदमी आते थे, सज्जन आदमी जिनको पता था कि हमारा देवता है, तो आते थे। तो धीरे 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 आज कल यहाँ पर कम से कम 7,000 आदमी खाना खा के गए हैं। उन्हीं लोगों के साथ में आया था और यहाँ बैठ गया। कुछ भी नहीं था, मतलब मैं नीचे गए हो आप जी, वो जहाँ नीचे देखा हमने वो, उसके अंदर मैंने 3 साल काटे। जब बरसात होती थी चूल्हा तंदूरी जलाना पड़ता, लेकिन उसके अंदर जब चूल्हा जलाते थे तो मर जाता धुआं से, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है। वही था एक सर छुपाने के लिए, अगर वहाँ आग जलानी तो फिर रह नहीं सकते। तो बरसात में मैं नीचे चले जाता था 3 साल तक। फिर वो ऊपर एक कुटिया है टीन वाले, फिर वो बनाई, फिर उसके बाद फिर ये सारा। अब हर मौसम में आप? हाँ, 12 महीने इधर ही। तो ऐसे ऐसे तो मैं कैसे आया हूँ, इतना साल हो गए मुझे नहीं लगता है। हाँ, जब बॉडी अब थकने लगती तो तब पता लगता कि इधर मैंने उम्र काट दी। मंदिर के बाद राजमल took me further on that route, और इस गुफा के बाद आने वाला था आज का दूसरा सरप्राइज। वाह यार राजमल जी, हम तो मतलब नॉर्मल चाय पार्ले जी से भी खुश हो जाने वाले लोग हैं, बट आपने तो फ्रेंच प्रेस कॉफ़ी एंड कुकीज एंड फ्रूट बास्केट, ठीक है, कभी कभी लग्जरी भी बुरी नहीं लगती। चलो सर, ये है कि हम भी चाहते हैं कि चलो गेस्ट यहाँ पे आए जी, जो हम चलो पालमपुर की दोबारा घूमने के लिए दोबारा डिसीजन लेके हम वहाँ पे जाए। इतना ऊपर आते हैं तो थोड़ा कुछ उनको मिले ना, तो वो मजा बहुत लेंगे। True. थोड़ा और ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। और ये तो एक सरप्राइज एलिमेंट है। हाँ, ये सरप्राइज में यही है। बिल्कुल, कई बार हम नहीं बताते गेस्टों की क्या क्या है। कई बार गेस्ट भी चौंकते हैं कि हमारी कार में इतना सामान कहाँ से निकल गया। तो ये बहुत दफा होता है ये। एंड दिस स्पॉट यार, ये एकदम किलर लोकेशन आप लोगों ने ढूंढ ली, ये एक्सक्लूसिव, ये धौलाधार की है सर। अच्छा। हाँ। और तो ऐसे नाम दिए गए हैं यहाँ पे, छोटा सा ये दूसरे पहाड़ी के साथ, इसके साथ इसको खाड़ा बोलते हैं। खाड़ा लोग, हाँ, खाड़ा। तो लोग यहाँ पे भी बहुत सारे केव्स हैं, लोगों ने अपने पत्थरों के साथ मिट्टी के साथ बना के छोटे छोटे वो हट दस्ते बनाए हैं। तो उसको मतलब बहुत कम हाइट में होता है, फिर भी उसको मतलब खड़े नहीं हो सकते अंदर। अच्छा। खड़े होंगे सिर लगेगा। अच्छा। नीचे का भी होता है, नीचे वाला फ्लोर होता है जो मतलब जो उनके एनिमल है, गाय जैसे भैंस, उनकी हाइट का होता है। तो ऊपर वाले फ्लोर में खुद रहते हैं, नीचे वाले फ्लोर में वो रहते हैं मानसून में। और परमानेंट आपने घर बनाए हुए हैं? वो मतलब परमानेंट जैसे अच्छे बनाए हैं, मजबूत बनाए हैं, ताकि वो मानसून में 3-4 महीने आ सके। तो बट उसके लिए यहाँ की जो घास है उनके एनिमल के लिए काफी हेल्दी होती है, काफी पावरफुल होती है। तो मैं तो जो कमजोर भी होगा यहाँ से तगड़ा होके जाएगा। मतलब जो उनकी खेती करके उनके जो बैल आते हैं तो वो भी यहाँ पे उसके मेहनत करने का, यहाँ पे उनको खुला छोड़ देते हैं। मतलब उनको किसी की रहा नहीं ना, कोई बोला कि अपने इसको हटाओ वो करो, यहाँ पे खुला छोड़ दे, कोई प्रॉब्लम, वो अपना खाएंगे। तो कई तो ऐसे एनिमल भी है जो गाय जैसे भैंसों में इतने समझदार, वो सुबह छोड़ देंगे, शाम को खुद आ जाएंगे। मतलब गाँव वाले लोग जो यहीं पर अपना
थोड़ा बहुत अपना सर्कल चला लेते हैं, खाने के लिए दूध दही मक्खन सारा तैयार करते हैं, घी भी करते हैं। जैसे मक्खन घी को वीकली या टू वीकली यहाँ से पैक किया और नीचे जाके भेज देते हैं, ताकि उनसे उनकी थोड़ी इनकम भी चली रहती है और उनका टाइम भी, और साथ में अपने लिए काम ले आते हैं। जैसे उनके पास जो शीप है जी, उनकी जो ऊन निकाल के उसको काटना, उसको तैयार करना, फिर घर जाके उसका मतलब जैसे उन्हें शॉल बनाना, पट्टू बनाना जो कहते हैं, तो अपने लिए बहुत सारे होते हैं इनके, मतलब जो उनकी होती है भेड़ की, उनकी होती है वो, चाहे आप स्नो के ऊपर ऐसे लटका के बैठ जाओ, वो पानी इतनी जल्दी सोखती नहीं। तो यहाँ पे मतलब बहुत देखने के लिए हमें छोटे दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है। sure. तो उसमें मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है देखने के लिए। जैसे कई बार देखते हैं, जैसे इस वाली पीक में जाएंगे जो मेन माउंटेन है धौलाधार, उसे आमने सामने रहते हैं, और सामने दूसरा माउंटेन, सामने हम रहेंगे। मतलब कई दफ़े इतना लगे, अगर अर्ली मॉर्निंग उठ रहे तो जानवर बहुत सारे देख सकते हैं आप। आप जो पक्षी मोनाल बोलते हैं उसको देख सकते हैं, उसके साथ जो जितने भी बहुत मतलब इतने प्यारे प्यारे पक्षी देखेंगे। यही वजह है कि मुझे कभी भी वो मार्क्ड साइटसीइंग स्पॉट्स में इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि हर रास्ते में इतने सारे पड़ाव मिलते हैं जो खुद में एक एक्सपीरियंस बन जाते हैं। पॉइंट ये नहीं है कि दूसरों की जियो टैग की गई लोकेशंस के पीछे भागना, मजा तो है रुक रुक के आराम से अपनी ही कुछ स्पेशल मोमेंट्स बनाना। बस ये ध्यान रहे कि उन स्पेशल यादों के साथ साथ अपना कचरा भी ले जाएं। Palampur is also on the route of Kangra Heritage Train. This 160 kilometers long narrow gauge rail is on the tentative list of UNESCO World Heritage Site. But that's not the only thing tentative about it, because apparently no one here seems to know its exact timings. It's funny that in the world of meticulous planning and fixed departures, there's a train that has random timings. जैसे जैसे ये ट्रेन गांव, खेतों और नदियों को पार करते हुए चलती रही, मैं बस ये सोचता रहा कि कहने को तो पालमपुर एक छोटा सा टाउन ही है, बट इसके आसपास छुपी हुई है बहुत सारी कहानियां। धर्मशाला, मैक्लोडगंज और बीड जैसे पॉपुलर हिल स्टेशन के पास होने के बाद भी दिस प्लेस हैज इट्स ओन कैरेक्टर एंड आइडेंटिटी। मिट्टी की महक, चाय की खुशबू, खेतों की सुगंध और पहाड़ों का जादू, दिस पालमपुर एक्सपीरियंस हैज बीन क्वाइट फिनोमिनल।